हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हमने मैथमेटिकल टूल टॉपिक में पूरा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दिया था। आज से आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर वेक्टर के शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आने वाले जितने भी आप फिजिक्स में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं आपको यूज में आएगा, क्योंकि ये ट्वेल्थ में का पार्ट है। आप मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत जो पढ़ेंगे वो ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, इलेवेंथ में इसके बारे में आपके लिए कुछ जानकारियां नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। जैसे मान के चलिए हम लोग जो लास्ट में पढ़े थे, जो क्वांटिटी के बारे में बात किए थे, तो वहां पर क्या एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में बात किए थे। वेरिएबल भी दो तरह का होता था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो वहां पर भी हम लोग किसी क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किए थे। उसके बाद जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते तो वहां पर भी फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी आता है। सेम उसी वे में यहां पर भी जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, एक का नाम है स्केलर, दूसरे का नाम है वेक्टर, और एक क्वांटिटी और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर, जिसको बोलते हैं टेंसर। बट टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टेंसर क्वांटिटी। के टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर के बारे में जो इसका डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है इसके बारे में। बाकी जब सारा सारा डिस्कशन किससे रिलेटेड रहेगा, वेक्टर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब वेक्टर कहां से, मतलब ये स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, इस सारी चीजों को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए इस फिजिकल क्वांटिटी यह स्केलर स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जो होता है ये होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बोला जाए कि 1 kg मैंगो, या कोई बोल दे कि भाई 1 kg मैंगो लेके आओ, तो देखिए वो क्वांटिटी पूरा कंप्लीट है, 1 kg, उसका मास 1 है, यूनिट भी उसमें निहित है केजी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है वो 1 kg पूरा का पूरा कंप्लीट क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कोई बोल दिया जाए कि 2 kg ऑफ राइस, तो 2 kg राइस सारी सारी क्या होगी, कंप्लीट क्वांटिटी है। मींस उसमें क्या है, 2 उसका जो यूनिट, मतलब 2 जो है उसका मास है, और ये और केजी उसका क्या है, यूनिट है। और मान के चलिए कभी बोल दिया जाए कि 101 डिग्री फारेनहाइट फीवर है किसी को, तो टेम्परेचर उसका क्या हो गया, 101 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट उसके बारे में एनालिसिस हो गया कि भाई इसके लिए जो किसी को 101 डिग्री बुखार है, तो हम लोग क्या कहते हैं, 101 डिग्री फारेनहाइट इसको बुखार है, ठीक है। यदि हम उसको उसका कितनी वैल्यू है वो दिखा देते हैं और उसका जो यूनिट दिखा देते हैं तो पूरी की पूरी जानकारी हमको मिल जाती है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जब तक आप उसमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो वही सब चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पहले लिख लेते हैं स्केलर के बारे में। अ क्वांटिटी having only magnitude, no direction,
ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया। वर्क भी मतलब क्या, हाँ 10 जूल हमने वर्क किया, किस डायरेक्शन में किया हमको नहीं मतलब है, 10 10 जूल हमने एनर्जी अपनी खपत किया, वर्क किया, मेंस वर्क डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं गया 5 मीटर आगे गया, ठीक है, 5 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 = 10, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन से मतलब है, लेकिन डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी having both magnitude and direction, a quantity having both magnitude and direction, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बता रहा हूं, and follows vector एडिशन, वेक्टर एडिशन रूल। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, तब जब तक कोई क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करेगा, तब तक हम उसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अभी आगे, कोई भी इसको वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर रूल को, वेक्टर रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। जैसे बताइए कि करंट क्या है, करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है, करंट ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। है तो एक्चुअली में ये टेंसर है ना, ये करंट, प्रेशर, ये सब सारे हैं टेंसर, इसको टेंसर में आ जाता है। लेकिन देखिए करंट में क्या है, आप कहेंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये कैसे मतलब इसको आप बोल रहे हो स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर, जैसे मान लीजिए कि ये 3 एम्पियर करंट है, इस वायर से 3 एम्पियर करंट गया और इधर से मान लीजिए 2 एम्पियर करंट गया, तो इस वाले वायर में टोटल करंट 5 एम्पियर ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा है, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, इस वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। दिस नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, समझे। इसलिए ये करंट जो है, ये करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर में डाल देते हैं। एक्चुअली में है ये टेंसर, आप इसको कोई सा डायरेक्शन में ले लीजिए, आप 3 एम्पियर इधर से ले लीजिए या 3 एम्पियर मतलब दो वायर के बीच में आप एंगल चेंज कर दीजिए, यहां 90 डिग्री है, यहां पे कुछ 60 डिग्री कर दीजिए, और ये फिर भी मान के चलिए 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर ही होगा, ठीक है। कैसे भी कीजिए, एक नोड पे जो, नोड पे जो करंट आता है वो यहाँ पे ऐड होकर के बाहर चला जाता है, मतलब ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है,
लेकिन आप वेक्टर में देखेंगे, जैसे मान के चलिए कि ठीक, आपको मैं बताता हूं धीरे धीरे। अब ये वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और एनालिसिस करते हैं, फील लेते हैं इस वेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद तो जो थ्योरी वाले पार्ट है उसको हम एक एक करके फिर आसान हो जाएगा समझना, है ना। अब ये वेक्टर जो है, जैसे मान लीजिए कि ये चौराहा है, ठीक है, ये चौराहा है चारों साइड से। आपकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ मार्केट से जा करके कुछ सामान लेके आ जाओ, सब्जी लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो आप गए, मम्मी बोली कि बेटा जो चौराहा है ना, चौराहा से आप 2 मीटर ईस्ट में जाना, या दो चौराहा से आप 500 मीटर मीन्स चौराहा से 1 किलोमीटर मान लेते हैं तो आसानी रहेगा थोड़ा सा समझने में। चौराहा से बेटा 1 किलोमीटर जो है ईस्ट में जाना, लेकिन आप ईस्ट नहीं सुने, आप 1 किलोमीटर सुन लिए। आप जैसे ही चौराहा पे गए, यहां पर गए चौराहा पर, आप चौराहा पे गए और यहां से आप बोल रहा है कि भाई 1 किलोमीटर जाना, तो आप 1 किलोमीटर चले गए आगे, ठीक है, आप 1 किलोमीटर यहां से आगे चले गए। फिर उसके बाद किसी से वहां पे पूछे कि भाई वो राम का जो सब्जी का दुकान था वो कहाँ पर है, वो उसने बोला कि भाई वो तो चौराहा से 1 किलोमीटर ईस्ट में है। तो चौराहा से 1 किलोमीटर ईस्ट में है, मतलब ये अभी कितना, 1 किलोमीटर यहां से आगे और 1 किलोमीटर इधर से पीछे, मतलब यहां से क्या 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर वो आगे, मतलब वहां से इसको कितना, यहां से इसको कितना 2 किलोमीटर इधर चलना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पर डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, तब जाकर के इस डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसको बोलता, वो मम्मी की बात सुन लेता कि भाई 1 किलोमीटर ईस्ट में जाना, तो यहां से लेकर के यहां से 1 किलोमीटर ईस्ट में चला जाता, ठीक है। तो मैं आपको समझाने का मेरा यही पर्पस है कि आप डायरेक्शन का मतलब देखिए, कि यहां पर यदि कुछ डिफाइन नहीं करेगा कि भाई किधर जाना है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, मैं 1 किलोमीटर आगे जाऊंगा, 1 किलोमीटर इधर जाऊंगा, 1 किलोमीटर इधर जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर से तो इन सब सेंस में डायरेक्शन का जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या, हमको डायरेक्शन को बताना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो बिना डायरेक्शन के हम नहीं कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट यही है, हमने यहां से चला, फिर 1 किलोमीटर हमको भेजा भाई हम आगे चले गए, कभी इधर चले गए, लेकिन मम्मी हमको बोली कि भाई 1 किलोमीटर ईस्ट में जाना, तब जाकर उसका दुकान मिलेगा राम का, तो हम 1 किलोमीटर यहां से लेंगे, फिर यहां से 1 किलोमीटर ईस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के अलावा उसके डायरेक्शंस का भी इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, आइए तो जैसे मान लीजिए कि आप 1 किलोमीटर, आप जैसे कोई कहेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, आपको थोड़ा सा और फील दिलाना चाह रहा हूं वेक्टर के बारे में, कोई कहेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, कोई जो है ये 4 किलोमीटर गया, जैसे आप 4 किलोमीटर गए, फिर से आप क्या किए 3 किलोमीटर गए, तो ये इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 4 + 3, वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, ये डायरेक्शन आप लगा दीजिए, आप 4 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर वापस आ गए, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 4 + 3, ऐसे मतलब हम लोग क्या किए
ऐड किए, लेकिन एक्चुअल में देखिए तो ये क्या है, ये इसमें 4+3 कितना हो गया 7 किलोमीटर, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल कितना हो गया, हमको पता है इनिशियल टू फाइनल कितना, मतलब ये कितना डिस्टेंस हम लोग गए 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब मान के चले, नहीं आप क्या किए 4 किलोमीटर गए ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर से आपको कुछ मन में हुआ, फिर से आप 3 किलोमीटर चले गए कहां नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इस केस में डायरेक्शन कितना आया 5, इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट आया 5 किलोमीटर, ठीक है। है तो सब में 4+3 ही, मतलब 4 किलोमीटर गया 3 किलोमीटर वापस आया, 4 किलोमीटर फिर से हुआ 3 किलोमीटर फिर से आया 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन आप देख लीजिए कि डायरेक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हर एक केस में अलग अलग आ रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 7 किलोमीटर होगा, मिनिमम वैल्यू इसका 1 किलोमीटर होगा, इस बीच में 7 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर के बीच में सारी वैल्यू हो सकती है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 से बड़ी 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्शन का कितना बड़ा गेम है इसमें। डायरेक्शन आपको नहीं पता होगा तो आप तो एक ही, मतलब 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक ही चीज जानेंगे, 4 किलोमीटर गया उसमें 3 किलोमीटर वापस आया इस डायरेक्शन में, वापस आने का मतलब इस डायरेक्शन हुआ, तो भाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1 किलोमीटर आएगा, 4 किलोमीटर इधर गया फिर से 3 किलोमीटर ऊपर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर आया, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है वेक्टर, वेक्टर हम इसी को बोलते हैं। ये देखिए इसमें वेक्टर एडिशन का रूल, हमने वेक्टर एडिशन का रूल लगाया है। नॉर्मली हम लोग जैसे मान के चलिए दो स्क्वायर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं, 4+3 दैट इज 7, या माइनस कर देते हैं 4-3 दैट इज 1, ये क्या है स्केलर एडिशन है, लेकिन इसको वेक्टर एडिशन अलग करना पड़ेगा। मान के चलिए 4i, इसको बोलेंगे i, यदि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं तो ये आएगा 4i, ये गया 3j, तो 4i+3j, ये सब चीज आपको बताएंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ये आता है 4² + 3 का² दैट इज 5 मीटर, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन, और ये जो है ये स्केलर एडिशन है। ठीक है, इतना तक समझ गए हैं। आइए हम लोग सारी चीजें देख लिए, वेक्टर का एग्जांपल वेक्टर का क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे भाई, किधर अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद वेलोसिटी हो गया, है ना, एक्सीलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारी के सारे क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एंड वेक्टर एडिशन के रूल को भी फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन के क्या क्या रूल हैं, सारे रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग आए तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें हम लोग बेसिक जानते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को एक सीधी लाइन
और इस तरह से इसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, जिसमें से इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेड, सॉरी टेल, और ये जो एरो वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है। और ये जो वेक्टर का जो लेंथ है ये शो करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। अरे मैग्नीट्यूड जो होता है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। मान के चलिए कभी बोल दिया जाए कि भाई 50 मीटर को हमको दिखाना है, तो भाई 50 मीटर को हम लोग क्या 50 मीटर का स्केल तो नहीं कर सकते ना, ना उसको कॉपी पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको खींच सकते हैं, इतना बड़ा ना हमारा कॉपी है ना उतना बड़ा मेरा बोर्ड है, ठीक है, उतना बड़ा तो होगा नहीं। तो ये प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का, एक सेंटीमीटर को मान लेंगे 50 सेंटीमीटर के बराबर है, इस तरह से जो है इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है। मतलब इसका ये क्या हो गया, ये जो इनिशियल वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और ये जो एरो वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेड। इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन फ्रॉम, डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन फ्रॉम टेल टू हेड, इसका डायरेक्शन जो होता है वो टेल से हेड की तरफ होता है, ठीक है। इसके लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होता है ये टेल से हेड की तरफ होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये बोले कि भाई 5 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, इसको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको वेक्टर के जो इज ए ग्राफिकल, इसको मतलब ग्राफिकल मेथड बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिकल वेक्टर को मैथमेटिकल मेथड से कैसे दिखाएंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो 5 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, आप लोग को पता है कि इसको क्या बोलते हैं ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, और इधर क्या है साउथ, ठीक है। 5 न्यूटन फोर्स अलोंग इस डायरेक्शन, तो 5 न्यूटन तो स्केल पे होता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या है 5 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया 5 न्यूटन, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर हो गया मान लेते हैं, तो ये 5 न्यूटन हो गया। तो हम 5 न्यूटन का फोर्स अलोंग इस डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया एरो हो गया, और ये क्या हो गया 5 न्यूटन हो गया, ये 1 सेंटीमीटर क्या हो गया 5 न्यूटन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको बोले कि 5 न्यूटन फोर्स along 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ, तो ये क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कह रहा 5 न्यूटन फोर्स along 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ, इसमें फिर से हम अपन 1 सेंटीमीटर को ही 5 न्यूटन मानेंगे, अलोंग 37 डिग्री ऑफ नॉर्थ, किससे नॉर्थ से 37 डिग्री, तो नॉर्थ से 37 डिग्री क्या आ गया ये आ गया, ये 37 डिग्री है और ये अपना क्या है 5 न्यूटन है, तो 37 डिग्री कहां से आ गया नॉर्थ से। उसके बाद यदि नॉर्थ से 37 डिग्री है तो हम यदि इससे कहेंगे तो वेस्ट से 53 डिग्री हो जाएगा, है ना, वेस्ट से 53 डिग्री हो जाएगा, 37 कितना आता है 90 डिग्री, मतलब इधर से 37 डिग्री है तो वेस्ट से 53 डिग्री हो जाएगा,
तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, बोल दें कि भाई कोई भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, सॉरी, ये 2 मीटर पर सेकेंड है 53 डिग्री ऑफ ईस्ट। तो 53 डिग्री ईस्ट है, तो 53 डिग्री ईस्ट को दिखाने के लिए इसमें मैं मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो 53 डिग्री को दिखाने के लिए किससे, ईस्ट से, ऑफ इससे, किससे, ईस्ट से 53 डिग्री इधर है, हो गया डायरेक्शन इसका कहां क्या होगा, ये यदि ईस्ट है, ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 53 डिग्री हो गया और इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। 53 डिग्री मान के चले ईस्ट से हो गया, तो 37 डिग्री कहां से हो जाएगा, नॉर्थ से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड के द्वारा वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइए कुछ बातें करें वेक्टर के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को यदि आप क्या करें, पैरेलली शिफ्ट करें, है ना, वेक्टर को यदि आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे, वेक्टर को यदि आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, उसको आप जो है पैरेलली शिफ्ट करेंगे, उसको मोड़ेंगे ओड़ेंगे नहीं कुछ भी, उसको मानकर चलिए आप वेक्टर को इस तरह से, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, इसको शिफ्ट कर करके मैं कहीं पर भी ले जाऊं, पीछे ले आ सकता हूं, ठीक है, इधर इधर खिसका सकता हूं, आगे खिसका सकता हूं, या आप इसको कुतुब मीनार पर लेके चले जाइए, इसको पैरेलली, इसको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वेक्टर एज इट इज रहेगा। मीन्स यदि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेक्टर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इफ शिफ्टिंग द वेक्टर, शिफ्टिंग द वेक्टर पैरेलली, देयर विल बी नो चेंज इन वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर को, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को यदि आप इस तरह से पैरेलली शिफ्ट कर दें, पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, ये भी ए वेक्टर है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका लेंथ भी एज इट इज रहना चाहिए, इसका ये भी लेंथ एज इट इज ही है, इसको आप क्या किए, वेक्टर को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे मन कर चले दो वेक्टर इक्वल तब होगा, दो वेक्टर को हम इक्वली तब बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टू वेक्टर विल बी इक्वल वेक्टर इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है,
कि आप दो वेक्टर के बीच में यदि एंगल फाइंड करना चाहते हैं, दो वेक्टर के बीच में यदि एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दोनों वेक्टर के टेल को क्या करना पड़ेगा, कोइंसाइड करना पड़ेगा, है ना। दोनों वेक्टर का यदि टेल कोइंसाइड होगा तब जाकर के आप उसका एंगल को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। To find the angle between two vectors, to find the angle between, to find the angle between two vectors, to find the angle between two vectors, we have to shift the vector at tail, ठीक है। मतलब इस वेक्टर को, दोनों वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, कॉन्साइड करना पड़ेगा, टेल 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 को क्या करना, कॉन्साइड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वेक्टर के बीच मान के चलिए यदि टेल मिल गया दोनों वेक्टर का, इफ टेल ऑफ बोथ द वेक्टर कोइंसाइड देन ए स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी एंगल, विल बी वेक्टर एंगल, ठीक है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको अभी समझाता हूं एग्जांपल से, फिर जाकर के आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है, ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि भाई एंगल कितना होगा इस दो एंगल, इन दो वेक्टर के बीच में, तो एक तो मान के चलिए ये एंगल हो गया, इन दोनों का देखिए टेल टू टेल क्या कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है, ये टेल टू टेल यदि दोनों वेक्टर का यदि मिल रहा है, दोनों वेक्टर का टेल टू टेल यदि मिल रहा है, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एंगल को क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंगल को फाइंड करेंगे दोनों वेक्टर यदि टेल टू टेल मैच कर रहा है, यदि नहीं मैच कर रहा है तो हम वेक्टर को क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे और टेल टू टेल को क्या करेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद जो एंगल फॉर्म होगा दोनों वेक्टर के बीच में और जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर एंगल, वो होता है हमारा वेक्टर एंगल। बाकी जो लार्जर वाला एंगल होता है वो वेक्टर नहीं, वेक्टर एंगल उसको में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, है ना। तो ये 250 डिग्री एंगल नहीं होगा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, तो अब कितना होगा, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, अब इसका एंगल कितना होगा, 110 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, 110 डिग्री, नहीं गलत है। ये देखिए, ये इसका हेड इस वेक्टर के टेल से मिला हुआ है, तो हम इसमें 110 डिग्री इसका एंगल नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा,
इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको आइए पैरेलली शिफ्ट करते हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट कीजिए, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना होता है, ये पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री, ये कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो अब एंगल ए एंड एंगल बी ये कितना हो गया, एंगल ए, ये बड़ा सा एंगल भी अपने को हो सकता है, लेकिन जो छोटा स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल, देन द स्मॉलर एंगल विल बी द वेक्टर एंगल। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी ये कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये कोई क्वेश्चन है हमारा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर के, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, ये 15 डिग्री है, ये वेक्टर बी है, और एक ये है जो इससे बना रहा है 30 डिग्री, ये वेक्टर सी है। तो कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन, फर्स्ट में ए एंड बी, बी एंड सी, एंड ए एंड सी। ठीक है, एंगल फाइंड करना है ए एंड बी के बीच का, बी एंड सी के बीच का, और ए एंड सी के बीच का। कैसे फाइंड करेंगे, ए एंड बी, अच्छा ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी का हम क्या है, टेल टू टेल मिला हुआ है, ये क्या है 30 डिग्री, और ये है 15 डिग्री, ये है वेक्टर ए, ये कितना है 15 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, टेल मिला हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्या है, टेल मिला हुआ है। ठीक है, टेल टू टेल मिला हुआ है, बस इतना हमको चेक करना, छोटा एंगल को मेजर करना, ये 15 डिग्री हो गया, ये यदि 15 डिग्री हो गया, ये यदि 15 डिग्री है तो ये कितना है 90 माइनस 15, है ना, 90 माइनस 15 कितना होता है 75 डिग्री। तो वेक्टर ए एंड बी के बीच का कितना हो गया, ये कितना हो गया 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये कितना हो गया 105 डिग्री। वेक्टर बी एंड सी के बीच का देखते हैं, वेक्टर बी एंड सी, ये देखिए वेक्टर बी एंड सी में क्या है, ये इसका टेल यहां पर, इसका हेड मिल रहा है, इसका टेल मिल रहा है, तो हमको टेल टू टेल मैच करना है। तो अब इस वेक्टर को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, इस वेक्टर को अपन क्या किए, शिफ्ट किए, और ये देखिए ये 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, ये है ना, ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन है, ये वेक्टर सी है, अपना वेक्टर सी है, इसको मैंने क्या किया, खींच करके आगे ले आया पैरेलली, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब किसके किसके बीच निकालना है, बी एंड सी के बीच का, ये वेक्टर क्या है हमारा, सी है, ये 30 डिग्री हो गया, ये क्या 15 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया बी एंड सी के बीच का 45 डिग्री।
तो बी एंड सी के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब कह रहा भाई ए एंड सी के बीच का निकालो, ए एंड सी के बीच का निकालो, तो सी ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, तो 30 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंगल को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे। पैरेलली शिफ्ट करने से क्या होता है, वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, और जब टेल टू टेल मैच कर जाए तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे उसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे, और जो स्मॉलर एंगल होगा वही हमारा क्या होगा एंगल होगा, वेक्टर दो वेक्टर के बीच का वो एंगल होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पहला जो है वो चर्चा कर लेते हैं नल वेक्टर का। नल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग A vector having zero magnitude is null vector। कहेंगे सर इसका मैग्नेट्यूड जीरो है तो इसको वेक्टर क्यों बोल रहे हो। हाँ देखिए वेक्टर ए यदि 10 आई दिया हुआ है और वेक्टर बी आपको यदि -10 आई दिया हुआ है, उसके बाद यदि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें ये क्या आ जाएगा 10-10 क्या आ जाएगा जीरो, दोनों आई आई में है और ये जीरो आई हो गया। मीन्स जब भी आप इस पर क्या करेंगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब जाकर के मान के चलो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है ये इसको क्या बोल रहे हैं जीरो आ रहा है, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है, जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद जब उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है जीरो आता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग वेक्टर को इक्वल कब बोलेंगे, अ वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों यदि सेम होगा तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ये यदि हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी भी सेम डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तब जाकर के हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ठीक है, एक चीज जैसे मान के चलिए कोई दिया हुआ है आपको वेक्टर ए दिया हुआ है 2 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में और वेक्टर बी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे, नहीं इसको हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। बोथ मैग्नीट्यूड क्या है, इसका क्या है मैग्नीट्यूड 2 और 2 है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका फिजिकल क्वांटिटी जो ये है ये क्या है फोर्स का है और ये क्या है वेलोसिटी का है, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या है सेम नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए, उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 2 न्यूटन यहाँ पर 2 न्यूटन रहेगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं
पैरेलल वेक्टर की, ये मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं फटाफट समझा देता हूं, इसमें कुछ है नहीं। पैरेलल वेक्टर, उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जैसे देखिए ये वेक्टर हो गया और इस वेक्टर को हम लोग पैरेलल बोलते हैं, जब दोनों के बीच क्या होता था थीटा क्या हुआ जीरो होगा। दोनों जैसे मान के चलिए दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसके बीच का एंगल क्या है थीटा क्या है जीरो है। तो दोनों वेक्टर यदि पैरेलल होता है, जब थीटा जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एंटी पैरेलल उसको तब बोलते हैं जब उसके बीच का एंगल क्या हो, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो ऐसे वेक्टर को मीन्स थीटा जब 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ में को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मीन्स ये यदि हमारा इनिशियल पॉइंट है तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल, देखिए सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, टेल एक जगह पे मिल रहा है, एक जगह से निकल रहा है, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। फिफ्थ में कंकरेंट वेक्टर भी है, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर जैसे एक पॉइंट हो गया और इसी पॉइंट से सारे के सारे वेक्टर पास कर रहे हैं, इसमें क्या इसका इनिशियल पॉइंट है, लेकिन इसमें देखिए ये वेक्टर ऐसे भी आ सकता है, ये वेक्टर ऐसे भी आ सकता है और इस वेक्टर ऐसे भी आ सकता है, तो मतलब सबका जो है मिलन पॉइंट जो है सारे वेक्टर का यदि एक जगह हो जाए, इसका तो टेल टेल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। और कंकरेंट वेक्टर में जैसे मान के चलिए ये वेक्टर है और उसका जो कंकरेंसी मतलब प्रतीत होता है मिलता हुआ, ऐसे वेक्टर को भी कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर है, ये यहां से जा रहा है, लेकिन इस वेक्टर का यदि लाइन खींचेंगे आप ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसको खींचेंगे फिर से ऐसे, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब यही वेक्टर क्या है, कंकरेंट वेक्टर है। कंकरेंट वेक्टर है हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे, तो इस पर कोई फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, यहां पर इस तरह से फोर्स लगता है, तो सब एक पॉइंट से निकलता है, ये दूसरा फोर्स हो गया, ठीक है। तो कंकरेंट वेक्टर, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लिए, अब जो है हम लोग देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, इसके बारे में और अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूं कि वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज नन एज यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग इस तरह से फाइंड भी करते हैं, और इसको हम लोग जैसे मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये डेल्टा एस डिनोट करते हैं, डेल्टा एस कैप हुआ अपना, ये डेल्टा एस, ये पूरा का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी बस
इतना ही रखते हैं इसके ऊपर में। उसके बाद यूनिट वेक्टर हो गया, हाँ, तो इंपॉर्टेंट वेक्टर दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, यह नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इफ इफ मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर, अपोजिट टू द अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर अपोजिट ओरिजिनल वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका जितना नेगेटिव वेक्टर हमको निकालना है, ये वेक्टर ए है इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर का। ओरिजिनल वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई थिंक सारा का सारा वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक वेक्टर हम लोग और देख लेते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। डेफिनेशन डेफिनेशन है, थोड़ा सा समझना भी है। कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तो सारे के सारे वेक्टर क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होगा, तो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, इसमें जैसे टू वेक्टर ऑलवेज इन सेम प्लेन, ऑलवेज इन सेम प्लेन। थ्री वेक्टर या मोर देन टू वेक्टर बोल सकते हैं, थ्री वेक्टर मे और मे नॉट बी इन सेम प्लेन। ठीक है, दो वेक्टर जैसे मान के चलिए, दो वेक्टर है, है ना, ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, इस दो वेक्टर को ये क्या है, एक प्लेन है, है ना, ये हमारा क्या है, ये x, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ये क्या हमारा x y प्लेन है। इस x y प्लेन में आप ये दो वेक्टर इस तरह से यदि हम इसको रख लेंगे इस तरह से, तो क्या है ये एक प्लेन में है, ये दो वेक्टर है। आप इसको कैसे भी मोड़ लें, आप इसको इस तरह से मोड़ लें, या आप इसको ऐसे मोड़ लें, कैसे भी कर लें, ये इसी प्लेन में रहेगा। मतलब दो वेक्टर जो है वो ऑलवेज सेम प्लेन में रहता है, लेकिन यदि आप थ्री वेक्टर को ले लें, तीन वेक्टर को यदि आप ले लें, तो तीन वेक्टर को यदि आप ले लेंगे, है ना, तीन वेक्टर देखिए, तीन वेक्टर यदि हो गया, तो ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में रहेगा, लेकिन तीसरा वेक्टर के लिए क्या है, दूसरे प्लेन की हमको जरूरत पड़ेगी, ये दूसरा प्लेन है, दूसरा प्लेन में है, एक प्लेन में भी रह सकते हैं, मे और मे नॉट, मान के चलिए इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक प्लेन में आ जाएगा, ये पूरा पूरा क्या जाएगा, एक प्लेन में आ जाएगा, है ना। तो तीन वेक्टर यदि रहेगा, तीन वेक्टर क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी इन सेम प्लेन, एंड टू वेक्टर जो है वो ऑलवेज सेम प्लेन में रहेगा। आप कैसे भी कर लेंगे इसको, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिएगा, फिर भी ये सेम प्लेन में रहेगा।
ऐसे कर लीजिएगा फिर भी सेम प्लेन में रहेगा। तो कैसे भी कर लीजिए दो वेक्टर जो है वो हमेशा सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, दो वेक्टर ए एंड बी ये क्या है कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा था अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर था, वेक्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग देखे थे आज, और बेसिक बेसिक चीज देखे थे कि भाई वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्यों मतलब क्यों जरूरत पड़ा वेक्टर का। तो आप समझ गए कि भाई कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है जिसको बिना डायरेक्शन का तो हम समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी तब होता है जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है। करंट क्या था वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें वेक्टर एडिशन के रूल को वो फॉलो नहीं करता है। सेम ऐसी तरह प्रेशर में भी है, प्रेशर भी क्या करता है वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्शन तो होता है लेकिन वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो ये सारे क्वांटिटी ओरिजिनल में है टेंसर, लेकिन टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम रखेंगे स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। ठीक है, तब आज यहीं पर उसको रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बहुत सारी चीजें बात करेंगे जो हम लोग वेक्टर एडिशन का रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं ये सब क्या रूल हैं, सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा, टेक्स्ट बुक से भी पढ़िएगा और फिर से क्लास में आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।